हेलो एवरीवन, आज गाड़ी का कंडेंसर क्लीन करेंगे। इसका मेन कारण है एसी का परफॉर्मेंस बढ़ाना। मेरा एसी क्या हो रहा है, धूप में बढ़िया काम नहीं कर रहा। तो मैं भी यूट्यूब में देखा कि कंडेंसर क्लीन करने पे एसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, तो वही ट्राई करेंगे आज घर में। नहीं होगा तो सर्विस सेंटर पे रही है। तो जैसे दिखाई दे रहा है ये सब बोल्ट खोल लेना है, क्योंकि कंडेंसर क्लीन करने के लिए गाड़ी का बम्पर निकालना पड़ता है, फ्रंट वाला बम्पर। और क्या है, बम्पर में जो प्लास्टिक क्लिच लगा हुआ रहता है वो खुलने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे ये वाला प्लास्टिक क्लिच है, ये ज़्यादा प्रेशर में टूट भी सकते हैं। तो लगभग सब बोल्ट खुल गया है, अभी बम्पर का सब क्लिप निकालना बाकी है। वो क्लिप सब नीचे के साइड में होता है, वो भी दिखाएंगे। ये आपका लेफ्ट साइड में आ गया। ऐसे एक स्क्रू रहता है और इसके नीचे प्लास्टिक का क्लिप लगा हुआ रहता है। बम्पर का नीचे टोटल 6 पीस प्लास्टिक का क्लिप्स है। शायद वीडियो में सब दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन खोलने के टाइम सही से खोलना है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सब सेम होते हैं, एक ही टाइप का होता है। तो ये वाला जो प्लास्टिक क्लिप है ऐसा राइट साइड में भी है और ठीक बीच में भी है, 2 पीस, तो टोटल 6 पीस है। आ गया राइट साइड का, यही बोल रहा था। जो बीच में जो 2 पीस और है, ये वाला है राइट साइड में, एक है लेफ्ट साइड में भी है। निकल गया बम्पर, सामने कंडेंसर आ गया है। देख रहे जाली का कंडीशन गंदा हो गया है। और एक क्या है, फिंस होता है, ये बेंड हो चुका है। अगर आपसे होता है तो सही करिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक करने की जगह अगर टूट जाएगा तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। मैं भी ट्राई किया था कुछ कुछ में, जितना मेरे से हो पाया मैं सीधा किया, बाकी छोड़ दिए। ऐसे एक स्क्रू से, स्क्रू ड्राइवर से सही से नहीं होगा। देखिए, ऐसे 2 स्क्रू पर स्क्रू ड्राइवर होने से क्या होगा, ये बेंड होके कुछ टूटेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो दोनों साइड से सपोर्ट मिलेगा। जितना हो सकता है करिए।
पहले क्या कर रहा हूँ, पानी से थोड़ा भिगो भिगा दिया। भिगाने के बाद वो रसायन पुश पे कर रहा हूँ। मैं क्या किया था, जो लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर आता है हैंड वॉश, वही हैंड वॉश डाल दिया था। इसके लिए दूसरा कुछ क्लीनर भी आता है क्लीन करने के लिए, कुछ केमिकल लिक्विड आता है, तो मेरे पास तो सब नहीं है, मैं इसी से ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है, ये कंडेंसर क्लीन करने पे मेरा एसी का परफॉर्मेंस तो बढ़िया हुआ है, मतलब पहले जैसा तो नहीं है, और अभी चील करता है। अभी ये जो ब्रश मारना है ना, ये थोड़ा संभाल के करना है, जो फिन्स का पोजीशन जो डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में ब्रश चलाना है, नहीं तो क्या होगा, वो सब चीज़ बेंड हो जाएगा। अब लोग भी जब खोलिएगा गाड़ी का कंडेंसर, तब मालूम चलेगा वो कितना पतला है, एक पेपर जैसा है, बहुत ही पतला। तो ये चीज़ थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा टाइम रख देंगे, डस्ट को निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा पानी मार के उसको धो देंगे। ये जो नट बोल्ट दिखा है ना, ये नंबर प्लेट वाला है, तो नट को अंदर से टाइट करना पड़ता है। तो जो देख रहा है ना, पहले राइट वाला करना पड़ेगा, नहीं तो कंडेंसर में जैसे टच होगा राइट होने में दिक्कत होगा, क्योंकि हाथ उधर घुसेगा नहीं। तो पहले नई प्लेट का नंबर प्लेट का राइट वाला लगा रहा हूँ, ऐसे टेढ़ा नहीं लगाना, क्योंकि बीच वाला नट बोल्ट भी लगाना है, नट लगाना पड़ता है। हाँ, वैसे फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, और उसका पीछे से लिखी नाक को लगा देंगे। पहले अगर नहीं करेंगे ना, बाद में हाथ नहीं घुसेगा कंडेंसर का वजह से, कंडेंसर है, रेडिएटर है। इसके बाद थोड़ा संभाल के लगाना पड़ेगा, प्लास्टिक का क्लिप है, क्लिप के साथ मिला के बिठा देना पड़ेगा।
ये बैठ गया। ये वाला बस प्लास्टिक का क्लैम्प में बिठा देना पड़ेगा, नीचे की तरफ खींच के मिलाने से हो जाएगा। चलो आप खींच लिया तो थोड़ा सा दबा देना है। सेम सेम प्रोसेस दूसरा साइड में भी करना है। जो प्रोसेस में बम्पर खुले थे वही प्रोसेस में हम लोग लगा देंगे, और कुछ नहीं है। बस ये नंबर प्लेट को थोड़ा संभाल के लगाना पड़ता है, इसका जो नाट लगेगा वो अंदर से लगेगा एक साइड का, बस वही ध्यान देना है। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।